अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम की आईडी किसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न विद कासिम को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा और इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर पर आपने क्लिक करना है, वहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम और यहाँ से उसकी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है इसलिए यहाँ पे ओपन लिखा आ रहा है, इसलिए मैं अब बैक जा रहा हूँ। आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने फिर इंस्टाग्राम की ऐप पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे नीचे लिखा होगा साइन अप। अगर आपने पहली मरतबा ये ऐप खोली है तो आपके सामने लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट या लॉग इन। आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, लेकिन सबसे नीचे वो लिखा हुआ है साइन अप, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देकर भी रजिस्टर कर सकते हैं और ईमेल भी। मोबाइल नंबर आपने अगर देना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करें और मैं ईमेल पे रजिस्टर करूँगा, तो मैं अपना ईमेल इंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत इंतज़ार करना है। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वो आपको वेरिफिकेशन कोड भेज देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा। मैं अभी वीडियो को पास लगाने वाला हूँ, जैसे ही ये आगे जाएगा तो मैं इस वीडियो को पास खोल दूँगा। अब जैसे ही वहाँ पे हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया तो ये आ गया, हमारा फुल नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं। आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है। अगर आपने फ़ोन वेरिफिकेशन किया तो उस पर जल्दी वो वेरिफिकेशन कोड भेज देते हैं, वरना यहाँ पे कम से कम 2-1 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है अगर आपने कोई जीमेल एंटर किया है तो। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड दे के कंटिन्यू एंड यहाँ पे अपना आपने बर्थ डेट देनी है। मेरी ये यकीन कर लें कि आप 18+ हो, शायद वो आपके लिए कुछ मसला कर दे। अब वो कह रहे हैं कि MRF8805 ये आपका यूज़र नेम ठीक है या आप इस यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज यूज़र नेम पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये मुझे पसंद है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा अकाउंट रजिस्टर हो रहा है। अब ये कह रहे हैं क्या फाइंड फेसबुक फ्रेंड्स टू फॉलो, क्या आप अपने फेसबुक फ्रेंड को ये इंस्टाग्राम पर ढूंढना चाहते हैं। तो अगर आपको ढूंढना है तो कनेक्ट टू फेसबुक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं स्किप पे क्लिक करूंगा। स्किप। अब ये जिस तरह फेसबुक पे वो कुछ फ्रेंड्स की लिस्ट बताते होते हैं कि किस को आप ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह ये हमें फॉलो की लिस्ट बता रहा है। हमने अभी कोई नहीं करना, ये ऊपर जो तीर सा है इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई करना है फॉलो किसी को तो कर सकते हैं। यह अब हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, यह आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सर्च करेंगे, ये यहाँ पे ऊपर हम सर्च किसी किसी भी किसी इंसान को कर सकते हैं, किसी जगह या कुछ भी, हम बस फेसबुक की तरह ही कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने यहाँ पे जाना है, ये जो तस्वीर सी बनी हुई है इस तस्वीर पे क्लिक करना है और ऐड प्रोफाइल फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक या न्यू प्रोफाइल फ़ोटो, अगर आपकी फेसबुक पे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से वैसे ही मैं कोई अभी ले रहा हूँ, इसी पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यही ठीक है। आपने अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर लगा लेनी है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये मेरी लोडिंग हो रहा है, ये अब मेरी वो पिक्चर आ गई। इस तरह से बस आपने यहाँ पे होम पे जाना है। अगर आपने कोई अपनी स्टोरी वगैरह देनी है,
जिस तरह आप फेसबुक पे देते हैं, तो आपने करना क्या है, ये जो कोई पिक्चर वगैरह देनी है तो ये जो प्लस का दरमियान में आइकन है इस पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आपने कोई तस्वीर या कोई वीडियो उठानी है, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। ये आज मैं तो वीडियो है तो इसी पे ही क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये टैग पीपल ऐड लोकेशन ये सब कुछ आपने फिल करके ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए, मैं कहता हूँ ये ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। इसी तरह आपने भी कुछ यहाँ पे लिखना है, टैग पीपल किस किस बंदे को आप टैग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा क्योंकि किसी को मैंने फॉलो या कोई बात साथ नहीं हुई है तो ट्विटर पे अब ऐड लोकेशन करना चाहते हैं ये कौन सी जगह है, मैं इस्लामाबाद कर देता हूँ। वैसे ही अभी मैं चेक करने के लिए फिर ये टिक पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं ये फिनिशिंग, ये हमने अपनी एक स्टोरी एक पोस्ट हमने अपलोड कर दिया जैसे इन लोगों ने किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये कितने लोगों ने किया हुआ है, जिस पे हम क्लिक करेंगे वही ओपन हो जाएगा। जैसे ये हमने कॉप पे क्लिक किया, इसी तरह वो करते हैं लाइक लेते हैं, बस अपना जो स्किल है वो ज़ाहिर करते हैं फोटोग्राफी की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अगर आप कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगे।